बच्चों, ये एक क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग पर यहाँ पर एक वेट है जो नीचे लटकाया गया है। इस वेट के कारण इन दोनों स्ट्रिंग पर दो अलग अलग डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है। एक टेंशन इस वायर में जो लग रहा है ए बी वाली वायर में जो टेंशन है बच्चों, वो है 51 न्यूटन। इस वायर में लगने वाला टेंशन हमें फाइंड करना है, मीन्स टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, टी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको जरा सा देखिए। ये पॉइंट बी है। सबसे पहले क्या करो कि इसके दो कंपोनेंट लिखने की कोशिश करो ऐसे। अब बच्चों, ये लाइन और ये लाइन देखिए एक दूसरे के क्या आ गई, पैरेलल। और जब दो लाइन पैरेलल हो तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल कितना होगा, 30, और ये एंगल होगा बच्चों 60। अब अगर ये टी है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा बच्चों, टी कॉस 30। और इधर देखिए, इधर क्या होगा हमारा, 51 कॉस 60। अब देख रहे हैं 51 cos 60 एंड हियर इज t cos 30। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, सो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब कोई भी बॉडी जब इक्विलिब्रियम में है, तो बहुत बार मैं बोल चुका हूं, ए दोनों कंपोनेंट के फोर्सेस को आप इक्वल कर दीजिए। ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बराबर हो जाएगा, ये दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये गिवन नहीं है, इसलिए हम ये दोनों को इक्वल कर देंगे। सो t cos 30 बराबर 51 cos 60। सो t इज इक्वल टू 51 cos 60 अपॉन cos 30। t इज इक्वल टू 51 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 2 पर जाएगा, 2/√3 कैंसल आउट, 51/√3। ओके, रेशनलाइज कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 51√3/3, 3 से कट जाएगा 17, सो 17√3 न्यूटन। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग बीसी। बीसी स्ट्रिंग पर टेंशन बच्चों 17√3 काम करेगा। ओके, आप रूट थ्री की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 1.73, उसके बाद भी आप चेक कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए,